नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन किया है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं तीसरी खबर कालावली से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सैलजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। और वहीं चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली खबर बीजेपी के नामांकन से जुड़ी हुई है। लोकसभा के मद्देनजर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज किया। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा उपचुनाव जो करनाल सीट से होना है उस पर जो है अपना नॉमिनेशन भरा है। वहीं दूसरी खबर जो है वो भी नामांकन को लेकर के है। कृष्णपाल गुर्जर ने नामांकन पर्चा भरा है, फरीदाबाद से उन्होंने इस बार नामांकन का पर्चा भरा है। आपको बता दें इससे पहले भी वहीं से वो सांसद हैं। वहीं तीसरी खबर कांग्रेस को लेकर के है, जहां पर कुमारी शैलजा का बीजेपी पर बड़ा तंज देखने को मिला है। कई सारी बातें उन्होंने यहां पर कही है, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं चौथी खबर भी कांग्रेस को लेकर के है, दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल ये जो है इस बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं और आज जो है कोर्ट से बड़ी राहत उनको मिली है। चलिए और बुलेटिन में बड़ी खबर सामने आ रही है करनाल से, जहां पर चुनाव के लिए भरे गए नामांकन। विधानसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन भरा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दाखिल किया है पर्चा, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी नॉमिनेशन किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उपचुनाव विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर पर्चा भरा यानी नॉमिनेशन किया है। तो छठे चरण में चुनाव होने हैं, करनाल सीट पर उपचुनाव होना है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल यहां पर किया है। साथ इसके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद यहां पर रही। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा है और करनाल विधानसभा की में जो उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन भरा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। छठे चरण में जो चुनाव होने हैं यानी जो मतदान होने हैं उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। और इस आखिरी दिन में आपको बता दें करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल उन्होंने नामांकन दाखिल किया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं उपचुनाव के लिए विधानसभा उपचुनाव की सीट के लिए जो मतदान होने हैं उसके लिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी उन्होंने यहां पर पर्चा भरा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर छठे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। तो नामांकन की प्रक्रिया आजकल जारी है और आज आखिरी दिन है जहां पर नामांकन पर्चे ये भरे जाएंगे। करनाल में आपको बता दें लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल उन्होंने यहां पर नामांकन दर्ज किया है, नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ यहां पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, आज आखिरी दिन था नामांकन का, ऐसे में तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि बीजेपी का आत्मविश्वास कितना है, अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं तो आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इनके साथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी वो आज अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए करनाल पहुंचे थे, जहां पर जो करीब 3.5 किलोमीटर का जो सफर था वो तय करके वो मुख्यमंत्री जो है सेक्टर 12 स्थित जो सचिवालय है वहां पर उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो मौजूदा जो सांसद है संजय भाटिया वो इनके साथ मौजूद थे, अन्य नेता इनके साथ मौजूद थे और तमाम लोगों के साथ जो है पुष्प वर्षा कर जो है मुख्य जो बाजारों से होते हुए वहां पर निकले, जो लोगों ने भव्य उनका स्वागत किया। ऐसे में जिस तरीके से भाजपा लगातार नारा देती हुई नजर आ रही है 400 पार करो, ऐसे में इस तरीके के आज जो ये यात्रा थी जो की वो कहीं ना कहीं सार्थक होती सिद्ध होती नजर आ रही है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर था, कितनी संख्या कार्यकर्ताओं की थी यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आज जो
जो हजूम लोगों का जो जुड़ा हुआ था भाजपा के लोगों के साथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ, तो कहीं ना कहीं लोग कहीं काफी उत्साहित जरूर नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों में ये संदेश भी लोगों ने देते हुए नजर आए कि आने वाले समय में जो भाजपा की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर आती है, जहाँ पर एनडीए 400 पार के लक्ष्य को साधते हुए जो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब हरियाणा की बात आ जाती है तो 100 सीटों पर उनका कहना है कि इस बार दोबारा से काबिज होना है, तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर कितनी तैयारियां आपको दिख पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है स्थिति कहीं ना कहीं सुधरती समय नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नारे जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं अब लोग भी उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो आने वाले समय में जो चुनावी स्थिति जो है तारीख है उस पर कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं लोग अपने जब वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद नहीं पता चल पाएगा कि क्या कुछ स्थिति वहां पर रहेगी 4 तारीख। बिल्कुल, ये स्थिति तो बाद में ही पता चल पाएगी, लेकिन मनोहर लाल के सामने जो है एक युवा चेहरा कांग्रेस ने खड़ा किया है, हालांकि कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था, आज उनको राहत भी मिल गई है, लेकिन वो युवा चेहरा पूर्व सीएम मनोहर लाल को कितनी टक्कर दे पाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल का जो कार्यकाल है 9.5 साल का, उससे पहले भी क्योंकि वो एक्टिव जोड़ थे, तो ऐसे में जिस तरीके से वो जो एक युवा वर्ग का जो 31 साल का जो युवा है दिवांशु बुद्धि राजा, वो उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि एक एक्सपीरियंस देखा जाता है, जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस सबसे पहले देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल का जो एक्सपीरियंस है भाजपा में जो कार्यकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे देखते हुए लोग इस समय कहीं ना कहीं खुश भी हैं, और कहीं ना कहीं अब क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आगामी 25 तारीख है उसमें लोग कितनी वोटिंग करते हैं, क्योंकि गर्मी का समय रहेगा और ऊपर से क्योंकि लोग छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज बनती है, वो भी फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन ये हॉट सीट है करनाल, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, लेकिन बात अगर हम जहाँ पर क्षेत्रीय दलों की करते हैं, चाहे इनेलो की करें, जेजेपी की करें, उनकी तरफ से आप कितनी तैयारियां देख पाते हैं? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास लक्ष्य आपसे करेंगे, फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल से लगातार, जहां पर नामांकन आज दाखिल किया गया है, छठे चरण के मतदान के लिए ये आज आखिरी दिन था नामांकन का, और इसी बीच जो है विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं इस सीट पर, उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन भरा और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना यहां पर नामांकन दाखिल किया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, फरीदाबाद लोकसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, केंद्रीय लोकसभा चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम विधायकगण मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो वे किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे और किसके दम पर जीतेंगे, हमारे पास चेहरा है, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ऐसा कृष्णपाल गुर्जर का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 10 सालों में कांग्रेस से दुगने विकास कार्य किए हैं, जिनका भरोसा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता करने वाली है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और उसकी एक प्रक्रिया है, इनको पार्टी मैदान में उतारती है, उनको नामांकन करना होता है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज हमने अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया। जीत के प्रति कितने आश्वासित हैं आप अपनी जीत के? 100 से ऊपर जितना हो उतना आश्वासित। मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि जिसको हमने लीडर बनाया था वो डीलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अब हर बार यही होता है, ये तो मतदाता तय करेंगे कि डीलर कौन है और लीडर कौन है। मैं तो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं पिछले 46 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग आशीर्वाद देख रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो लोग हर बार बता देते हैं कौन डीलर है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे मोनू पांचाल लाइव हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। मोनू, नामांकन दाखिल कर लिया है, आज आखिरी दिन था छठे चरण के मतदान के लिए, तो कितना उत्साह यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में दिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं खबर जब पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नाम पहुंचे थे यहाँ पर। मेरी आवाज मोनू आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास मोनू से करेंगे। तो लगातार जो है नामांकन की प्रक्रिया अभी तक जारी थी, छठे चरण के लिए आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में जो है अलग अलग सीटों से सभी प्रत्याशी जो है अपना नामांकन भर रहे हैं, अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, और तैयारियां क्या कुछ है इन सभी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता भी हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से नामांकन किया, आपको बता दें कि मौजूदा सांसद भी वो यहां पर है, और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए इन्हें यहां से टिकट दिया और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और इस मौके पर कई बड़े नेता भी बीजेपी के उनके साथ शामिल हुए, यानी उनके नामांकन में शामिल हुए। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोनू, बड़े नाम यहां पर शामिल आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं जो नामांकन में शामिल हुए हैं, तो कितना उत्साह यहां पर दिखा कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में? जो कि देखिए जिस तरीके से जो है सभी पार्टियों ने जो है वो नामांकन भर दिए गए थे, लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है लास्ट दिन जो है वो नामांकन करने का समय था, लेकिन आज के दिन जो है लास्ट के समय जो है वो भाजपा के प्रत्याशी के सरकार गुजर उन्होंने जो है नामांकन करा, और नामांकन करने के साथ यानी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम नेता जो है बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर जो है वो सरकार के साथ नजर आए, चाहे वो पूर्व राजनीतिक सलाहकार जो है अजय गौड़ वो यहाँ पर मौजूद रहे, उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम जो विधायक चाहे वो और विधानसभा की बात कर ली जाए, चाहे वो चुनाव विधानसभा की बात कर ली जाए, तमाम जो विधायक थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं नामांकन जिस तरीके से यहाँ पर कराने के लिए आए वो है नामांकन यहाँ पर जो वो बीजेपी के प्रत्याशी केशव प्रसाद गुर्जर ने वो नामांकन यहाँ पर भर दिया है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से जो है आज लास्ट का दिन था और आज लास्ट के दिन जो है वो नामांकन भर दिया है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जो है वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जिस कड़ी में जिस देखा जाए तो जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस वो लगातार जो है वो यहाँ पर जो तंज कसते हुए नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के लोकसभा में जो है 10 लाख पार का नारा जो बीजेपी के नेता जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि 10 लाख का जो नारा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी देना भूल गई है, तो इसको लेकर के जब सवाल जवाब जब हमने प्रत्याशी के सत्ता गुर्जर से करा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो पार्टी है यानी कि कांग्रेस है वो पूरी तरीके से बौखला गई है, उनके पास किसी तरीके का कोई चेहरा जो है उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके बीजेपी के पास की बात की जाए तो बीजेपी के पास जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कांग्रेस की बात की जाए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है उसके पास किसी तरीके का कोई चेहरा नहीं है, कोई मौजूद वजूद नहीं है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर करते हुए नजर आए। वही मीडिया ने जो है सवाल दूसरा भी दागा कि जिस तरीके से देखा जाए तो कृष्ण पाल पर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वो नेता नहीं डीलर है, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो वो जवाब देते हुए नजर आए कि इसका फैसला जनता करेगी कि मैं सेवक हूँ या डीलर हूँ, इस तरीके के तल्स यहाँ पर भी वो जो है जवाब देते हुए नजर आए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो कि सबसे बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान उन्होंने जो है मीडिया पर भी आरोप लगाया कि पूरी मीडिया जो है वो खरीदी हुई है, मीडिया से बच के रहे, 20 तारीख यानी कि 25 तारीख की कोई भी टीवी अखबार इस तरीके की सूचना ना पढ़े, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कृष्ण पाल ने जवाब दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, चौथा स्तंभ है कांग्रेस ये मीडिया का, इसको ना खरीदा जा सकता है ना इसको कोई जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य छवि से जो है वो खबर दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, इस तरीके के जवाब यहाँ पर देते हुए नजर आए। जी ज्योति बिल्कुल मोनू, एक चीज तो हमेशा देखी जाती है जब कांग्रेस इस तरीके के बयान अक्सर देती रहती है, या तो वो ईवीएम पे सवाल उठाती है या फिर वो मीडिया पर सवाल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें अगर बीजेपी की तो बड़ा लक्ष्य वो इस बार साध के चले हैं, 400 पार का एनडीए पूरे 400 पार के लक्ष्य को साधते हुए चली है, तो एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरीके की बयानबाजियां करना, उसमें कितना योगदान देती है, एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए?
देखिए जिस तरीके से ज्योति सबसे बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने दमखम पर जो है पूरे जो है लोकसभा में यानी कि पूरे भारत में वो है चुनाव लड़ रही है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो महा जो है इंडिया महागठबंधन को लेकर के जिस तरीके की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं बयानबाजी जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पूरी 10 की 10 लोकसभा जीतने का दावा यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार जो है पर जो कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है कि 25 मई आई और बीजेपी गई तो इस तरीके के नारे जो लगातार हैं वो सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है पूरी तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 मई आई और बीजेपी जो है कांग्रेस गई और वहीं 4 जून आई तो बीजेपी भाई तो इस तरीके के तरह जो बयान है वो लगातार इस तरीके के आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान लगातार सामने जनता के बीच में लगातार जितने भी विपक्ष या बीजेपी की बात की जाए तो तमाम नेता जिस तरीके से रखते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा फर्क जरूर पड़ता है जनता पर कौन किस तरीके के सुन रहे या कौन किसी तरीके के जनता को अपनी तरफ अपने वादों में लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो ये सबसे जो कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन बयानों से कहीं ना कहीं जनता पर वोट पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई जरूर देता है। बिल्कुल। और एक और बात बड़ी है, लगातार जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास तो बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को जो है इसी बात पर घेरा जाता है कि उनके पास बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। तो क्या ये बात भी कहीं ना कहीं चुनाव में असर डाल सकती है, जनता के माइंड में कोई असर डाल सकती है? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से देखा जाए कि क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता से लगातार वो एक बात को लेकर के कहते हैं कि वो मोदी को वोट दे, क्योंकि मोदी जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर के उनकी नीतियां हैं उनको लेकर के जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता जो है वो जो है पूरी तरीके से संतुष्ट है। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर के जो इंडिया महागठबंधन है उसके पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी केशव पाल गुर्जर है वो ये भी बयान यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार बिगर दूल्हे के बारात जो है उस बराती में कौन बारात में जाएगा बिगर दूल्हे की बारात में, तो वहीं इस तरीके के बयान देते हुए वहीं दूसरा बयान भी ये देते हैं कि कहीं ना कहीं जिस बस का ड्राइवर ना हो उस बस में सवारी क्यों बैठेगी। तो आखिरकार साफ तौर पर यही अंदाजा जो है साफ तौर पर यही निशाना साधा जाता है कि इंडिया महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई किसको जो है देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसके चेहरे पर वोट मांगेंगे, तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर कटाक्ष करती हुई नजर आती है। और बीजेपी यही कहती है कि उनके पास चेहरा भी है, वजूद भी है, मजबूत भी है, गांधी भी है और वो है नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में विकास गति है और वो तेज जो है वो विकास गति जो है वो लाई जाएगी। बिल्कुल मोनू, नजर आप बनाए रखेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस की प्रत्याशी शैलजा ने डबवाली हलका में दौरा किया है। इस अवसर पर बातचीत के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों का काम करने वाली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा रुझान है, अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो लोग 10 साल के भाजपा सरकार से मोदी जी से अब तंग आ चुके हैं, सबका जी भर चुका। 10 साल में अब ये नया आर्थिक भविष्य देखना चाह रहे हैं क्योंकि 10 साल में केवल खोखली बातें मिली हैं। अब भविष्य की ओर देखने कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देना चाह रहे हैं। भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो ये नारा भी दिन-ब-दिन पुराना होता जा रहा है, सबको पता है शुरुआत इन्होंने की 370 पे आए, अब तो इनको डर ये है कि इनके साथ मीडिया शाही काम। और वहीं हरियाणा के करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा के गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में दिव्यांशु बुद्धिराजा सहित 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर खेड़की दौला टोल पर प्रदर्शन करने और टायर जलाने पर मामला दर्ज हुआ था।
आपको बता दें कि जब राहुल गांधी पर ईडी ने केस दर्ज किया था तो यूथ कांग्रेस ने देशभर में इसको लेकर के प्रदर्शन किया था। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बुधराजा ने कहा था कि मेरे ऊपर सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं और एक ऐसा ही मुकदमा गुरुग्राम के अंदर दर्ज था। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे ऊपर लगातार सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं और एक ऐसा ही मुकदमा गुड़गांव के अंदर दर्ज था और उसको लेकर क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आज हम यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और माननीय न्यायालय ने उसके अंदर में जो है एप्लीकेशन में मूव करी जमानत देने का काम किया। तो क्या बैरियर रोकने का हुआ था टोल के लेकर? क्या देखिए लगातार इस प्रकार के मुकदमे सरकार दर्ज करा रही है। मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज किया है। मैं तो मनोहर लाल जी से कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को इतना भी ना डराया जाए, इतना भी ना दबाया जाए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विजेंद्र कुमार। विजेंद्र, एक तरफ युवा चेहरा जिनकी मुश्किलें बीते दिनों बढ़ती हुई दिखाई दी थी, हालांकि अब उनको थोड़ा सा कोर्ट से राहत मिल गई है, दूसरी तरफ कद्दावर नेता बीजेपी के मनोहर लाल, तो क्या लगता है ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है बुद्धिराजा के साथ इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2018 में जब मुकदमा दर्ज हुआ था बेरोजगारी को लेकर पोस्टर लगाए गए थे, उसके बाद से ही सम्मन भेजे गए थे, बुद्धि राजा कोर्ट नहीं पहुंचे, उसके बाद उनको वहां से पीओ घोषित कर दिया था। उसके बाद एक गुरुग्राम में घटनाक्रम हुआ था बीते कुछ महीने पहले, यहां पर प्रदर्शन किया गया था, उसी को लेकर खेड़कीडोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं विवादों में जो बुद्धि राजा है वो घिरे हुए हैं। लगातार उन पर जिस तरह से उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर, कि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने काफी मुकदमे उनके खिलाफ झूठे दर्ज किए। और फिलहाल देखिए राजनीति है, राजनीति में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, ऐसे में राहत तो जरूर मिलती नजर आ रही है, लेकिन चुनाव पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से करनाल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे में कई सत्ता पक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि उसको कांग्रेस ने टिकट दी है कि वो भगोड़ा है, पीओ था, तो इस तरह के आरोप लगातार इन पर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा चेहरा है और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और ऐसे में लगातार प्रदर्शन ये करते रहे हैं और लगातार इन पर मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर पड़ेगा ज्योति, जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए हैं और कहीं ना कहीं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बिल्कुल जी ज्योति, पूर्व मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है करनाल से, उनको इस बार पार्टी ने उतारा है, तो उन पर इतने बड़े आरोप लगाना क्या उनकी छवि को प्रभावित करेगा? या फिर एक तरफ से विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही ये जानबूझ के किया जा रहा है, बीजेपी डर रही है, बीजेपी को भय है कि वो हार ना जाए इस सीट से, तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप जो है वो किस हद तक वाजिब लगते हैं? देखिए ज्योति, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि जिस तरह से पोस्टर जब लगाए गए थे, मुकदमा दर्ज किया गया, कोर्ट ने जब सम्मन इनको भेजा तो कोर्ट में पेश होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको हल्के में लिया और ये वाहन तो नहीं पहुंचे, उसके बाद इनको पीओ घोषित किया। अब ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं झूठे, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि काफी फर्क इस पर पड़ सकता है राजनीति पर, और ऐसे में जिस तरह से आरोप ये लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन पर मुकदमे दर्ज कराए झूठे जब वो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा चेहरा है और ऐसे में लगातार विपक्ष ये बात तो पहले से ही कहता आ रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, लोगों की आवाज दबाने के लिए अगर कोई एक आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बैठाती जाती, तो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है और 4 जून को ये साफ हो पाएगा कि किसको जनता ने बहुमत दिया, किसको नहीं दिया, और हरियाणा अंत में निर्णय जो है वो जनता के हाथ में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।